ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलंबितभुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। कस्तूरीतिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रबर्मौक्तिकं करतले करीचकंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चुड़ामणि। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलस मधुरस्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बली के राधा विहार विपिने रमतांग मनो में। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य कीप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण बंदन जाहा है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतम स्वरूपम्। जंग प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतयातरभोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ तुल कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माइक वाले हरे राम। माइक वाला कहाँ गया? वो दूसरा कहाँ गया? तो बैठता था इसको यहाँ से भगा दो उसको बैठा उसको पता है कैसे चलानी चाहिए। तुम कहाँ से बैठा कर चला गया? नवीन उसको बुलाओ तो वो कहाँ गया दूसरा? हरे कृष्ण ठीक है। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में
अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री परीक्षित महाराज ने कली को चार जगह पर स्थान दिया है। तात्पर्य है, अगर कलियुग में कोई शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उनको चार नियम को पालन करनी चाहिए। पहला नंबर है, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण सत्य है। जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते हैं, इसलिए धर्म का पहला चरण वहाँ खत्म हो जाता है। दूसरा नंबर है, किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, यहाँ तक भी चाय नहीं पीनी चाहिए। इसलिए किसी ने श्रील प्रभुपाद जी को एक बात बताया, ध्यान देकर सुनो। बोले प्रभुपाद, अगर आप दो चीज को छूट दे दोगे फिर पृथ्वी में एक ही संप्रदाय रह जाएगा, जो गौड़ीय संप्रदाय, और दूसरे संप्रदाय कोई रहेगा नहीं, और सारे संप्रदाय आकर के एक ही गौड़ीय संप्रदाय में ही मिल जाएंगे। क्योंकि जिस समय प्रभुपाद ने आए, हम पहले बता रहे थे ना, किसने प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी हर शहर शहर में कि गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद बोले शहर शहर में, मैं तो सोचता हूँ कि हर गांव गांव में एक गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद बोले गांव गांव में नहीं, हर घर घर में एक गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद बोले हर घर घर में नहीं, हर इंसान ही एक गौड़ीय मठ हो जाए। ये प्रभुपाद का भविष्यवाणी है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताए थे, एक दिन ऐसे आएगा, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मेरा नाम। एक दिन ऐसे आएगा, गांव गांव में, गली गलियों में, घर घर में, घर घर में हरि कीर्तन गूंज उठेगा, और सबके सब कृष्ण प्रेम उन्मत्त होकर के बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कहते ये प्रभुपाद का ये भविष्यवाणी है प्रभुपाद का, और महाप्रभु की यही इच्छा है, हैं? इसलिए किसने प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद केवल दो चीज को छूट दे दो। बोले एक चाय और एक बीड़ी, ये दो चीज को छूट दे दो, फिर जगत में फिर सबके सब आपकी एक ही संप्रदाय में आकर के मिल जाएंगे। प्रभुपाद शिक्षा देते हैं, भैया ये चीज को हम ग्रहण नहीं करनी चाहिए, हैं? फिर तो प्रभुपाद ने बहुत एक कीमती बात बताई, कहते भैया हमें जो आकाश में जो इतने तारे हैं ना, हमें इतने तारे की जरूरत नहीं, हम एक चंद्रमा की जरूरत है। कहते हमें एक चंद्रमा की जरूरत है, क्योंकि आप देखो आकाश में कितने तारे हैं, लेकिन ये तारे क्या अंधकार को दूरीभूत कर सकता है, लेकिन एक चंद्रमा उदय हो, देखना सारे अंधकार दूर हो जाता है, सारे अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए अगर शुद्ध रूप में, अगर किसी संप्रदाय में शुद्ध रूप में अगर कहीं भक्ति हो रही ना, ये केवल गौड़ीय संप्रदाय में महाप्रभु की धारा में ही शुद्ध रूप में भक्ति मिलेगा। नहीं तो किसी संप्रदाय में चाय पी रहे हैं, कोई गुटखा खा रहे हैं, कोई बीड़ी फूंक रहे हैं, हैं? बीड़ी फूंक रहे हैं, क्योंकि ये सबके सब नस्ली वस्तु है। चाय में निकोटीन है, उसमें कैफीन है। रामदेव बाबा का जोगा देखो, एकदम स्ट्रिक मना करता है, बोले अगर इसको कोई पिएगा तो गैस्ट्रिक होगा, बीमारी होगा। इसलिए हमें हर्बल टी है, गोकुल टी है, प्रज्ञा है, रामदेव बाबा का पातंजलि में देखो जड़ी बूटी से बना हुआ चीज, जो हेल्थ के लिए अच्छे हैं उसको ही हमें लेनी चाहिए, और नस्ली वस्तु से हमें दूर रहनी चाहिए।
इसलिए तीसरा इसको लेने से क्या होता है, बोले हम तपस्या नहीं कर सकते हैं। भजन कब कर सकते हैं? तभी भजन कर सकते हैं जब हमारे दिमाग सही रहे। ये नशीली वस्तु लेने से ये दिमाग सही नहीं रहता है, सही नहीं रहेगा तो फिर प्रभु का भजन कैसे करोगे। इसको लेने से तपस्या नष्ट हो जाती है। तीसरा चीज है स्त्रियम, कहती है स्त्रियों के ऊपर में भी कली का निवास है। बोले कौन सा स्त्रियों के ऊपर में? बोले जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष और जो पुरुष स्त्रियों से मिलते हैं। संसार करो, शादीशुदा होकर के अपना धर्म पत्नी को साथ में ही अपना घर गृहस्थ निभाओ, बगैर शादी के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, शास्त्र एकदम ये चीज को स्वीकार नहीं किया, इनके लिए कठोर दंड बताया, कठोर दंड बताया इनके लिए। इसलिए फिर चौथा जो चीज है इसको करने से पवित्रता नष्ट हो जाती है। जो चौथा चीज है वो जीव हिंसा है। जीव हिंसा जगत में सबसे बड़ा पाप ये जीव हिंसा है। इसलिए ये सब मांस मछली अंडा, यहाँ तक भी प्याज लहसुन हमें सेवन नहीं करनी चाहिए। इसलिए सचमुच से जो प्रभुपाद आए, कहती ये प्रभुपाद कौन है? कहती साधारण कोई व्यक्ति प्रभुपाद नहीं है, ये गोलोक वृंदावन में राधा रानी की ये नयनमणि मंजरी, जब राधा कृष्ण की सेवा में निकुंज में ये राधा रानी की सेवा करते थे, राधा रानी स्वयं आदेश दिया, बोले नयनमणि मंजरी देखो ये जगत का दुर्दशा को देखो, जगत में कितने अपसंप्रदाय आ गए, और आ करके ये सब के सब जो शुद्ध भक्ति धारा को ये सब के सब गंदगी फैला रहा है, सब गंदगी फैला रहे हैं। इसलिए तुम जा करके जगत में शुद्ध भक्ति धारा को प्रचार करो, और अकेले नहीं, तुम अपना परिकरों को लेकर के जाओ, अपना भक्तों को लेकर के जाओ, जा करके जगत में ये शुद्ध भक्ति धारा को प्रचार करो। सचमुच से ये प्रभुपाद जी आए और उन्होंने दिन दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे। कितना लाख हरिनाम करते थे? 1,64,000 माला है। अगर कोई 16 माला करता है ना, देखना सवेरे से लेकर के शाम तक देखना 16 माला ही खत्म नहीं होता है, 16 माला ही खत्म नहीं कर पाते हैं। फिर 4 बार 16 माला, बोले 4 बार नहीं, कहते ये 3-3 बार 64 माला है। इन्होंने ऐसे भजन किया जगत में, और कैसे गोग्रास एक साथ में दाल चावल सब्जी एक साथ में डाल देते थे, और पत्ते में कोई प्लेट में नहीं, नीचे पोछा लगा करके वहीं पर डाल देते थे। और ग्रो ग्रास मतलब जैसे गैया हाथों से नहीं खाती है, मुंह से खाती है। इसलिए प्रभुपाद क्या करते थे, दोनों हाथ को ऐसे पीछे रख करके हैं, जैसे गैया खाते हैं ना, वो ऐसे ही उन्होंने भोजन किया है, और ऐसे उन्होंने तपस्या की। ऐसे तपस्या प्रभुपाद ने की, विश्व ब्रह्मांड में उन्होंने टहलका मचा दिया। विश्व ब्रह्मांड में अभी जो अंग्रेजी लोगों को देखोगे गले में कंठी माला तिलक लगाकर भजन कर रहे हैं, किसकी कृपा है? ये महापुरुष का कृपा है। इसलिए उन्होंने कलियुग को उन्होंने 4 स्थान दे दिया। एक दिन परीक्षित महाराज जंगल में गए हुए थे, आज इतने जोर से उनको तृष्णा लग रहा था, कभी जिंदगी में लगी नहीं। एक ऋषि को भजन करते हुए देखे, उनसे पानी मांगे, लेकिन वो संत सचमुच से भजन में ही बैठे हुए थे। पानी नहीं दिया तो पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, और उन्होंने उनकी गला में डाल दिया। जब उनको बेटा श्रृंगी ऋषि को पता चला, श्रृंगी ऋषि उठाया कौशिक नदी का पानी, बोले जिसने मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला, मैं अभिशाप देता हूं, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन करेगा। लेकिन ये बात जब परीक्षित महाराज को पता चला, उन्होंने अपना छोटे बेटे को राज सिंहासन में बैठा करके और उन्होंने सब कुछ त्याग दिए, और गंगा किनारा में सुकरताल हैं, वहीं पर उन्होंने गंगा का उन्होंने आश्रय लिया। बोले गंगा कौन है? बोले ठाकुर जी की चरणामृत है। ठाकुर जी और ठाकुर जी के चरणामृत में कोई फर्क नहीं है। मानो ठाकुर जी के चरण को आश्रय लिया,
अगर हम लोग होते तो क्या होता, जब पता चलता 7 दिन में मरेंगे ना, सुनते ही तो आधा ही मर जाते हैं। और 7 दिन ही है, फिर क्या करते, जितने बढ़िया बढ़िया खाओ पियो घूमो और मर जाओ। लेकिन इन्होंने ये सब काम नहीं किया है, इन्होंने ये सब काम नहीं की। उन्होंने क्या की, उन्होंने गंगा किनारा में आश्रय लेकर के बोले मेरे पास में कुल 7 दिन ही है, 7 दिन ठाकुर जी की भजन करते करते कथा सुनते सुनते अपना जीवन को मैं बिताऊंगा। उसी समय में कोई टेलीफोन टेलीग्राफ ये सब कुछ नहीं था, लेकिन ऋषि मुनियों के पास में ऐसे दिव्य ज्ञान होता था। जितने सारे दुनिया में ऋषि मुनि थे, 88,000 ऋषि लोग वहां पर उपस्थित हुए। परीक्षित महाराज ने बोले ये ऋषि का अभिशाप नहीं, ये वरदान है, क्योंकि जीवन में एक संत दर्शन जीवन में नहीं होता है। लेकिन आज देखो तो सही, कितने सारे संतों का दर्शन हमें हो रहा है। तब उन्होंने प्रश्न करते हैं बोले आज हो, कल हो, परसू हो और बरसू हो, सबको एक दिन ही मरना ही है। बोले अद्य वा अब्द सतांतेवा प्राणी वही मृत्युनाम ध्रुवम, आज हो नहीं तो 100 साल को बाद में हो, एक दिन सबको मरना ही है। ऐसे जो मरणशील व्यक्ति है उनका क्या कर्तव्य है, इसलिए आप कृपा करके हमें बताओ। जब उन्होंने प्रश्न किए, इतने में प्रश्न करते ही और वहां पर ऋषि मुनि लोग जितने थे ना, बोले नासो मुनिर जस मतम न भिरनम, ऐसे कोई ऋषि नहीं थे जिसका मत ही अलग नहीं था। किसने कहा भैया विघ्न विनाशन श्री गणेश जी की पूजा करो, किसने कहा उसकी मैया क्या कहीं चली गई, अरे पार्वती के नवदुर्गा की व्रत करो ना। बोले भैया नवदुर्गा की व्रत 9 दिन, ये तो 7 दिन ही है। किसने बोले भैया उसको पति को शंकर जी की उपासना करो, किसने बोले मृत्युंजय कवच की पाठ करो, मृत्यु का जय करोगे, बोले वो भी तो 39 दिन है। सबके सब जितने ऋषि मुनि लोग थे ना, सबके सब अपना मतवाद को स्थापन करने लग गए। अभी परीक्षित महाराज ने देखा का बरसा जब कृषि सुखाई, एक एक सेकंड बीतते हुए जा रहा है, मेरे लिए एक एक सेकंड भी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि 7 दिन से धीरे धीरे समय बीतते जा रहा है। हमने देख रहा हूं ये तो आपस में ये तर्क वितर्क में लग गए, यद्यपि ये लोग एक ही सिद्धांत में ही पहुंचेंगे। हैं श्रोतव्य कृतितव्यश्च श्रोतव्य इच्छता भयम्, एक ही सिद्धांत में पहुंचेंगे। लेकिन समय तो धीरे धीरे बीतते जा रहा है, तो उन्होंने ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए। बोले हे प्रभु मेरे पास में कुल 7 दिन है, जब मैं माँ के पेट में था आप ही अस्वस्थमा का ब्रह्मास्त्र से हमें रक्षा की है, मेरी एक ही इच्छा है 7 दिन तक आपकी कथा सुनते सुनते हमारी जीवन बीत जाए। जब उन्होंने प्रार्थना की, इतने में भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। बोले श्री सुखदेव महाराज की। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कभी नाच रहे थे, कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे। बच्चे लोग तो सोच रहे थे कोई पागल है, धूल झोंक रहे थे। स्त्रियां तो इनके रूप देख देख कर पागल हो रही थी, कामदेव जैसे रूप है, लेकिन ये पागल सियाद हो गया। लेकिन जब ऋषियों का झुंड का अंदर में आए, कितना जौहरी जौहरी चिन्ह, जो सोना रहे ना वही सोने को पहचान सकता है। इनके शरीर में जो स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण बेपथु, ये प्रेम का 8 लक्षण हैं। इनके शरीर में सारे प्रेम का लक्षण दिखाई पड़ रहा था। ऋषि लोग समझ गए अगर कोई इनकी प्रश्न का उत्तर केवल यही महापुरुष दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने वहां जब पहुंचे, वहां पर उनके पिताजी की पिताजी की पिताजी थे, सबको उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उन्होंने सिंहासन में बैठ गए। फिर तब परीक्षित महाराज ने प्रश्न की झरी लगा दी, बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्यं म्रियमाणः स सर्वथा।
बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप कृपा करके बताए अतः पृछामी समसिद्धिं। समसिद्धिं का मतलब होता है जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको प्राप्त करने का बाद उसकी मन में और कोई चीज पाने की इच्छा नहीं रह जाए। लेकिन ये जगत का देखो भले ही जितने बड़े धनी से धनी हो जाओ आप उसको पूछो भैया तृप्त हो गया तू कितना कमाई करो, कमाई मतलब कम आई और ज्यादा आनी चाहिए। अब अंबानी को पूछो तुम्हारे पास में इतने पैसा क्या खुश हो गया, सोचता होगा पृथ्वी का सबसे बड़ा धनी मैं बननी चाहिए। इसलिए कहते राजा कहे महाराज सुखी और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुख भिखारी। हरि भजन के जगत में सबके सब हरि भजन के बगैर सब दुखी दुखी है। इसलिए इनका प्रश्न है जगत में ऐसे क्या वस्तु है और पुरुषस्य जत कर्तव्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। एक दिन सबको मरना पड़ेगा। परीक्षित महाराज को तो ये पता था 7 दिन पहले मैं मरने वाला है ही नहीं, लेकिन हम कोई बोल सकते हैं कितना दिन ही हम बचेंगे? हमने जो श्वास छोड़ा है दूसरा बार भी श्वास ले पाओगे कोई गारंटी है? कोई बोल सकता है? देखना बैठते बैठते हार्ट फेल हो जाता है, हैं? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भैया एक दिन सबको मरना ही है, ऐसे जो मरणशील जो व्यक्ति है इसका क्या कर्तव्य है? बोले जत स्वर्तव्यम अथ जप्यम जत कर्तव्यम निभि प्रभु। इसलिए कहते जगत में क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, क्या जप करनी चाहिए क्या नहीं जप करनी चाहिए, मैंने जो पूछा और जो नहीं पूछा आप कृपा करके ये सब का उत्तर आप कृपा करके दो। जब उन्होंने ये प्रश्न की सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित तुम ये बताओ अभी अभी मैंने आया अभी अभी बैठा शरीर से पसीना भी सुखाई नहीं, तुमने तो प्रश्न की झरी लगा दी। बोले ऐसे क्यों? बोले मेरे को पता है आप जैसे शरीर की जो महापुरुष है एक गृहस्थ घर में कितना समय रुकते हैं? बोले गो दोहन करने में जितने समय लगता है गैया को दोहन में उतना समय से ज्यादा आप कभी कहीं टिकने वाले नहीं, अभी आए और अभी चल पड़ोगे रमते जोगी और बहते पानी। इसलिए मैंने आपको प्रश्न की, प्रश्न से मैंने आपको बांध दिया है, अभी जब तक उत्तर नहीं दोगे यहां से तो आप जाने वाले है ही नहीं, अभी आप आराम से उत्तर दो कोई बात नहीं। ये प्रश्न सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले बरियान एसते प्रश्न कृतम लोक हृतम नृपम आत्मबीत सन्मत पुसांग। कहते हे श्री परीक्षित महाराज तुमने जो प्रश्न किया है, बोले बरियान एसते प्रश्न तुम बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया है, क्योंकि सचमुच से ये परीक्षित महाराज के लिए प्रश्न नहीं हो हम लोगों के लिए। परीक्षित महाराज तो भगवान की परिकर है जिन्होंने मातृ गर्भ में कृष्ण दर्शन की, भगवान की गोद में जो खेले अर्जुन, अर्जुन का बेटा का बेटे हैं ये भगवान की नित्य परीक्षित, ये परीक्षित महाराज भगवान की नित्य परिकर है। ये प्रश्न उन्हीं के लिए नहीं, ये प्रश्न हम लोगों के लिए है, ये प्रश्न हम लोगों के लिए है, क्योंकि उनको पर जब अभिशाप पड़ी ना अगर वो चाहते तो ये अभिशाप को ये टाल सकते थे, कोशिश करते ना ये अभिशाप मेरे ऊपर लागू कैसे नहीं हो, लेकिन उन्होंने ये किया नहीं। उन्होंने तो सोचा मेरे ऊपर में संतों की आशीर्वाद हमारे ऊपर में कम से कम 7 दिन तक मैं भगवान की भक्ति भगवान की भजन करते करते हमारी समय हमारी बितनी चाहिए। इसलिए बोले तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर प्रश्न है, बोले आत्मबीत सन्मत पुंसांग। बोले जो आत्मा में जो रमण करने वाले जो बड़े बड़े ऋषि लोग भी तुम्हारी प्रश्न को आदर देंगे, तो उसको उत्तर देते हैं
बोले निद्रिया मृत नक्तम व्यवायना चवाभयम दिवाच अर्थ है राजन कुटुंब भरण नवा। बोले हे परीक्षित, भगवान हमें ये जो मानव शरीर दिया है, कदी ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति का दरवाजा पर हम पहुंचे हैं। 84 लाख जन्म भ्रमण करते करते मैं करताल दे दो 84 लाख जन्म भ्रमण करते करते कदी ये मानव शरीर नहीं, भगवान हमें मुक्ति की दरवाजा पर हमें पहुंचाया है। इसलिए भगवान राम क्या कहते हैं, बोले साधन धा मो मोक्ष करे द्वारा, साधन धा मोक्ष करे द्वारा, साधन धा मोम मोक्ष करे द्वारा, साधन धा मोम मोक्ष करे द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा, पाई न जई पर साधन धा मोम कर द्वारा, साधन धा मोम कर द्वारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ताली बजाते बजाते, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये मानव शरीर नहीं है, बोले ये क्या है, बोले मुक्ति की दरवाजा पर हम पहुंचे हैं। 84 लाख जन्म भ्रमण करते करते ये मुक्ति की दरवाजा पर पहुंचे, लेकिन तो पहुंचे मुक्ति की दरवाजा पर, लेकिन ये कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं क्या, देखो ध्यान देकर सुनो, एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ये जीवन क्या हम कर रहे हैं क्या। बोले एक समय एक कोई लकड़हार था, और लकड़ी काट करके उसको जला करके कोयला बना करके मार्केट में बेचता था, बड़ी कष्ट से 50 से 100 रुपया कमा करके जीविका निर्वाह करता था।
एक दिन उधर से एक राजा गुजर रहा था, बोले तू कर रहा क्या? बोले यही काम कर रहा हूँ। बोले देख बेटा, आज से तेरे सारे दुख दूर हो जाएगी। बोले कैसे? बोले देखो, ये जो जितना दूर तक तो तुम्हारी आँख जा रही हैं, ये चंदन की बाग है। आज से मैं तेरे को ये चंदन की बाग दे रहा हूँ, तेरे सारे दुख खत्म हो जाएगा। राजा एक साल के बाद में फिर उधर से गुजरा, देखा वो फिर वही कर रहा है, लकड़ी को जला करके कोयला बना रहे हैं। बोले अभी भी तो लकड़ी काट कर कोयला बना रहे हो, अभी भी वही गरीबी है? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले तेरे को जब मैंने एक चंदन की बाग दिया था, तुमने क्या की? बोले उसको जला करके मैंने कोयला बना कर बेच दिया। बोले नालायक। बोले नालायक, आपको पता है एक किलो प्योर चंदन की लकड़ी का एक किलो कितना? 40-50 हजार रुपया देने पर भी प्योर एक किलो चंदन की लकड़ी नहीं मिलेगी, प्योर नहीं मिलेगा आपको। अब समझो एक वृक्ष में कितना किलो होगा, बताओ। बोलो कितना किलो होगा? एक एक वृक्ष करोड़ों करोड़ रुपया की, और ये पूरा के पूरा चंदन की बाग थी, और तुमने क्या कि उसको बेच बाच करके कोयला बना कर तुमने हैं बर्बाद कर दिए। देखो ये चीज को समझो, कहती जो मानव शरीर नहीं, ये चंदन की बाग है, ये चंदन की बाग, ये कोहिनूर हीरे ठाकुर जी हमें दिए, कोहिनूर हीरे दिए, क्योंकि भगवान राम खुद कह रहे हैं, हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंचे हो, मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंचे हो। कोई कोई कहते ना, भगवान हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। कभी कभी बोलते ना, भगवान हमें क्या दिया? कुछ भी भगवान नहीं दिया। बोले ऐसे ही एक समय एक आदमी वो सुइसाइड करने जा रहा था, बोले भगवान मेरे कुछ नहीं दिया। इतने में ठाकुर जी एक संत बन करके आ गए, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले सुइसाइड करने के लिए। बोले क्यों? बोले ठाकुर मेरे को कुछ भी नहीं दिए, ठाकुर मेरे को कुछ नहीं दिए। बोले कुछ भी नहीं दिए? बोले क्या दिया ठाकुर जी? सोने में भी हाथ लगाता हूँ मिट्टी हो जाता हूँ, मैं तो सुइसाइड करने जा रहा हूँ। बोले एक काम करोगे? बोले बताओ। बोले तेरे को मैं 10 लाख रुपया देता हूँ। कितना? ये एक हाथ काट करके मेरे को दे दोगे? बोले हाथ काट कर दे दूंगा, फिर मैं काम कैसे करूंगा? बोले तुमने बताया नहीं ना, भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं। भगवान कितने हाथ हमें दिए हैं? 2। बोले 2 क्यों दिए? किसी कारण से अगर ये हाथ खराब हो जाए, दूसरे हाथ में काम कर सकते हैं। और 10-10 लाख रुपया कितना हो गया? 20 लाख हो गया। बोले एक काम करोगे, 50 लाख देता हूँ, एक किडनी निकाल कर दे दे। बोले भैया जिंदा कैसे रहेंगे? बोले तू बता है ना, भगवान तेरे कुछ भी नहीं दिए। एक किडनी अगर तू 50 लाख में नहीं देगा तो ठाकुर जी कितने किडनी दिए हैं? अगर किसी कारण से एक खराब हो गया तो दूसरे से तुम काम चला सकते हो। भगवान कितने सोच विचार करके दिए हैं, तो दोनों ही तो हो गया, 1 करोड़ हो गया। बोले एक काम करोगे, 50 लाख में एक आंख निकाल करके दे दोगे? बोले भैया देखूंगा कैसे। बोले तू बोल रहा था ना, भगवान हमें कुछ भी नहीं दिए, 50 लाख कितना हो गया? अभी 1 करोड़ हो गया ना, 1 करोड़ हो गया ना। बोले एक टांग काट कर दे दोगे 50 लाख में? बोले भैया चलूंगा कैसे। बोले अगर तुम विचार करोगे ना, ये भगवान ये मानव शरीर नहीं, हमें कोहिनूर हीरे ठाकुर जी प्रदान किए, कोहिनूर हीरे ठाकुर जी प्रदान किए। इसलिए भगवान खुद कहते हैं, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। ये मानव शरीर नहीं, केवल ये ऐसे एक जीवन है, 84 लाख जन्म में एक ही जीवा दी है, जिसमें हम लोग एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भैया ये कोई नहीं, हीरे है, चंदन की बाग है, लेकिन ध्यान देकर देखो हम क्या कर रहे हैं, क्या इसको जला जला करके ना हम कोयला दर में इसको बेच रहे हैं, 50 रुपया में 10 रुपया में बेच रहे हैं। मतलब क्या? जिस शरीर से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं क्या? बोले दिन में 2 काम करते हैं और रात में 2 काम,
ये चार काम करके जीवन को बिता रहे हैं। बोले दो काम दिन में क्या करते, बोले पैसा कमाओ, दूसरा काम किया पैसा के द्वारा परिवार को मेंटेनेंस करो। बोले रात को दो काम, बोले सो और विषय भोग कर, बच्चों को जन्म दो। तब यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते भैया ये बताओ ये काम को कौन नहीं कर रहा है। एक सुअर को देखो, एक एक दर्जन बच्चा जन्म दे रहा है। हम कितने जन्म दिए बताओ, कितने, दो चार से ज्यादा कोई जन्म दिए है? वो तो छह महीना में एक बार बच्चा जन्म देता है एक दर्जन। कितना दिन में बच्चों को बड़ा करता है? एक महीना में कुल बच्चे को बड़ा करके छोड़ देता है। और हम बच्चों को कितना दिन में बड़े करते हैं? 20 25 साल 30 साल में भी बड़ा नहीं कर पाता है। अगर बच्चा कोई निकम्मा बन गया ना, पिता माता की बोझ बन करके जिंदगी भर उसको परेशानी देता है, बच्चा देता है कि नहीं है? देता है ना। इसलिए हम जो काम कर रहे हैं ना भैया, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी काम नहीं कर रहे हैं। शादी कर लिया, दो चार बच्चे जन्म दे करके उनको बड़ा कर दिया, तो बहुत बड़ी कोई तीर नहीं मार दिए हो तुमने। इसलिए यहाँ पर कहते भैया ये जीवन इसके लिए नहीं है, ये जीवन प्रभु तो भगवान की भक्ति के लिए दिए हैं। ये कोई नहीं, हीरे हैं भक्ति के लिए दिए। अगर प्रभु की भक्ति नहीं किया, केवल खाए पिए और बच्चे जन्म दे करके मर गया, तो भैया जीवन में कुछ भी नहीं किया, जीरो। लास्ट में तुमको जीरो मिलेगा, गोल आलू मिलेगा। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते देखो ये जीवन पाकर क्या करो, बोले तस्मात सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर स्मर्तव्य कृतितव्यस्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर जगत में कोई अभय प्राप्त करना चाहते हैं उसको क्या करना पड़ेगा? कहते तस्मात सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर। कहते भक्ति दो तरह का भक्ति है, कितने तरह की भक्ति है? कहते एक है वैदिक भक्ति और एक है राग भक्ति। कहते वैदिक भक्ति किसको कहते हैं? वैदिक भक्ति उसे कहते हैं शास्त्र के शासन के अनुरूप जो चले। अगर भगवान की भजन नहीं करेंगे फिर नरक में जाना पड़ेगा, फिर भगवान मानव शरीर नहीं देंगे। इसलिए क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए विधि को अवलंबन करते हुए क्या करो, सवेरे मंगल आरती में आओ, नियम करके हरिनाम माला की जप करो, भगवान की सेवा पूजा करो, हैं गंधे काम मत किया करो। इसको कहते वैधि भक्ति, जो विधि की शास्त्र के विधि की अनुरूप जो हम काम करते हैं। लेकिन और एक भक्ति होता है राग भक्ति। कहते राग भक्ति किसको कहते हैं? बोले इष्ट सारसिक प्रेम परमाभिष्टता भवे। राग भक्ति उसको कहते हैं जो भगवान की प्रति स्वाभाविक रूप में भजन, भगवान की प्रति स्वाभाविक रूप में भगवान की प्रति रुचि होनी चाहिए। जैसे ब्रज की गोपियां हैं, इसलिए उद्धव जी जब ब्रज में गए और ब्रज गोपियों को उन्होंने उपदेश दिया, बोले तुम भगवान के लिए क्यों रो रहे हो? बताओ भगवान कहाँ नहीं, भगवान तो कण कण में विद्यमान है। जहां उनको स्मरण करोगे भगवान तो वहीं आ जाएंगे, इसलिए उनके लिए क्यों रो रहे हो? इसलिए क्या करो, भगवान को स्मरण करो। लेकिन गोपियां क्या कहती हैं? बोले उद्धव तुम वो काले की बात कर रहे हो, वो काले को तो हम भूलना चाहते हैं, वो काले को हम भूलना चाहते हैं, हैं? तुम कहते उनको याद करो, हम तो उसको भूलना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं वो हमारी ऐसे कण कण में बैठ गया। हम कोशिश करते हैं, ये जिह्वा को कहते देख जिह्वा, जगत में बहुत सारी बात बोलने का है, तुम फिर ये कृष्ण का नाम क्यों लेते हो? कृष्ण का नाम छोड़ देना। लेकिन ये जिह्वा ऐसे निठोले है ना, वो कृष्ण की बात छोड़कर और कोई बात नहीं करता है। कान को कहते हैं, अरे सुनने के लिए बहुत सारी चीज, कन्हैया की बंसुरी की आवाज क्यों सुनते हो? जैसे ये कानों में कन्हैया की बंसुरी की आवाज नहीं बननी चाहिए, लेकिन आवाज आए ना उसकी, बंसुरी की आवाज छोड़ करके कानों में और कोई चीज घुसती नहीं। ये आंखों को हम समझाते हैं, तुम वो काले चीज को मत देखा करो, कृष्ण को मत देखा करो। देखने के लिए जगत में बहुत सारी चीजें, लेकिन जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, जहां हमारी नजर पड़ता है वो कृष्ण की छोड़ करके और कुछ नजर ही नहीं आती, वो नजर ही नहीं आते हैं। ये प्यार को समझाते हैं,
भैया कृष्ण को साथ में, जहां पर हम निकुंज में लीला की है भैया वहां पर मत जाएगा और दूसरे जगह पर जाओ, लेकिन ये निठोली ऐसे प्यार है, जाएगा तो वहीं पर जाएगा जहां कृष्ण को साथ में हमने लीला की है। इसलिए गोपियां कहती हैं हम तो वो काले को हम भूलना चाहते हैं, लेकिन ये पता नहीं वो इतने कण कण में बैठ गया है, वो निकल नहीं रहा है। हम कोशिश करते हैं उसको भूल जाना, लेकिन हम उसको भूल नहीं पाते हैं। इसको कहते राग भक्ति, इसको कहते राग भक्ति। वैधि भक्ति जैसे हम कर रहे हैं, देख लेना सवेरे नहा धो करके तिलक लगा करके हम आचमन करते हैं, अब गुरु मंत्र जप करने के लिए बैठते हैं, गुरु जी का मंत्र जप करेंगे इधर उधर मन नहीं जाए। आप देखना आंख बंद करते ही जा कोई गोलगप्पे के दुकान में, नहीं तो यार दोस्त के पास में, नहीं तो बेटा बेटी नाती पोतियों के पास में, आधा घंटा में देखा मन एक मिनट ही था नहीं, वो मन तो अपना काम कर रहा था, वो मन अपना काम कर रहा था। इसको कहते हैं वैधि भक्ति। हम चाहते हैं प्रभु में लगाने के लिए, लेकिन ये मन प्रभु में नहीं लगती है, राग भक्ति उसे कहते हैं। हम भगवान से भूलना चाहते हैं, भगवान को हटाना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमारे हृदय में ऐसे बैठे हुए हैं, वो हृदय से निकलना नहीं चाहते हैं। इसको कहते हैं राग भक्ति, इसको कहते हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए, बोले तीन काम करनी चाहिए, बोले श्रोतव्य कृतितव्यस्य स्मर्तव्यम इच्छता भयम्। अगर जगत में कोई अभय पाना चाहते हैं, बोले श्रोतव्य भगवान की कथा को ही सुननी चाहिए, बोले कृतितव्यस्य उनकी ही कीर्तन करनी चाहिए और उनको स्मरण करनी चाहिए। तीन भक्ति बताया, लेकिन तीन भक्ति में जो श्रेष्ठ भक्ति है कीर्तन, इस कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ बताया मेरे तरफ में देखो, क्योंकि कीर्तन को क्यों सर्वश्रेष्ठ बताया, पहले श्रवण, बीच में कीर्तन, तीसरे में स्मरण, ये तीन है। लेकिन ये बीच में है ना, कहते ये बीच में कीर्तन रखा, बोले बीच में कीर्तन क्यों रखा, बोले जो बीच का जो व्यक्ति है ये दोनों को मदद करते हैं, ये दोनों को मदद करते हैं। जैसे कथा सुन रहे हो सकता है यहाँ शरीर में तो बैठे हुए हो, मन घर में होगा, बच्चा क्या कर रहे हैं, बच्चा पति शायद घर में आ गए, उनको कुछ ने भोजन दिया, भले ही देखने के लिए ऊपर ही यहाँ बैठे हो, मन क्या हो सकता है, वहां बैठ सकते हो। फिर कथा स्मरण, फिर स्मरण कर तो पता नहीं मन कहाँ चली जाती है। लेकिन कीर्तन ऐसे के भक्ति है, अगर कीर्तन अगर कोई करेगा ना, ये तीनों काम अपने आप हो जाएगा, ये मन और कहीं जाएगी नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। विशेष करके कलयुग में ये जो कीर्तन है ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति, ये कीर्तनाख्य भक्ति। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मेरे पीछे पीछे थोड़ा कीर्तन कर लो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा माइक वाले माइक को ठीक करो सत्य गुरु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा नीताई गौरंग जय नीताई गौरंग, नीताई गौरंग जय नीताई गौरंग, नीताई 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 गौरंग, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो
बोलो हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो ढोली की आवाज नहीं आ रहा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो जोर जोर बजा। बोलो हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी भगवान की इच्छा है ये जगत का सृष्टि धीरे धीरे हो। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए, उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में सारे तत्व ज्ञान को स्फुरण कराया। भगवान निर्देश दिया ब्रह्मा जी ये सृष्टि का क्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। इसलिए ब्रह्मा जी सर्वप्रथम इन्होंने ये चतुष्सन को सृष्टि करते हैं। बोले भगवान का निर्देश है ये संसार का क्रम को धीरे धीरे बढ़ाओ। बोले पिताजी घर गृहस्थी बड़े जंजाल है, हम तो चाहते हैं भगवान की भजन करते हुए जिंदगी में मस्त रहे, ये दुनियादारी की भार को हम लेना नहीं चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले भगवान का निर्देश है, और तुम भगवान का निर्देश को तुमने अवमानना कर रहे हो। अगर तुम लोग शादीशुदा नहीं करोगे ना, मैंने अभिशाप देता हूँ। क्या अभिशाप देता हूँ? जैसे जन्म हुए ना ऐसे ही जिंदगी भर रहो। बोले पिताजी अभिशाप थोड़ी ही तो वरदान है, क्योंकि घर का जितने बोझ है जो बड़े उनको ऊपर में सारे बोझ है, छोटे लोग तो आराम से खेलते कूदते रहते हैं। हाँ देखो यहाँ पर चतुष्सन सृष्टि का पहला है, ध्यान दे कर देखो। सृष्टि का पहला ये चतुष्सन है, सृष्टि का पहले, लेकिन इन्होंने संसार के लिए इनकार कर दिया। हम घर गृहस्थ नहीं करते हैं। आप बोलोगे पर पाप लगनी चाहिए उनको, पाप लगनी चाहिए। बोले उनको पर में कोई पाप नहीं लगा। बोले क्यों नहीं लगे? क्योंकि भगवान हमें इधर देखो उधर, इसलिए भगवान जो ये मानव शरीर दिया है ना, ये जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है भगवान प्राप्ति। इसलिए कहते ना आए थे हरि भजन को कोटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को। देखो मेरे तरफ में ध्यान दे करके, चार आश्रम में है, पहले ब्रह्मचर्य, उसको बाद में गृहस्थ, उसको बाद में वानप्रस्थ सन्यासी। अच्छे तरह से समझो, 25 साल तक पहले क्या होता था, सबके सब गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए। अब रामायण देखे होंगे, कृष्ण लीला, भगवान राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम भी गुरुकुल में गए हैं। जब 25 साल गुरुकुल में पढ़ लेते हैं, फिर गुरुजी प्रश्न करते हैं, बोले बेटा बताओ अभी तुम्हारी क्या इच्छा है। लेकिन जो ये वेद वेदांत पुराण को पढ़ करके जिनको ये ज्ञान हो गया, ये जो मानव शरीर है भगवान बारंबार नहीं देते हैं, 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार देते हैं। और इसी शरीर में प्रभु की भक्ति करके हम भगवान के पास में जा सकते हैं, जहाँ जाने से जन्म मृत्यु दुख कष्ट चिरकाल के लिए हमें मुक्ति मिल जाएगी। वो लोग क्या करते थे, बोले गुरुजी
हम संसार में नहीं जाना चाहते, हम तो आपकी आश्रम में रह करके, गुरुकुल में रह करके आपकी सेवा करते करते मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं। लेकिन जो संसार के बगैर रह ही नहीं सकते, उनको घर गृहस्थी में आसक्ति है, गुरु जी कहते थे अपना घर में जाओ, जा करके अपना धर्म के अनुरूप अपना पत्नी से शादी करो। शादी करके कितना दिन तक, 25 साल तो इधर हो गया उधर हो गया, 25 साल, 25 साल केवल घर गृहस्थी करना, ज़्यादा नहीं। और घर गृहस्थी मतलब क्या है, घर में रह करके दोनों मिल करके ठाकुर जी का सेवा करो। शादी क्यों करते हैं, क्योंकि पति तो बाहर काम में चले जाता है, घर में पत्नी रहती है, फिर ठाकुर का सेवा कौन करेगा, ठाकुर के लिए भोग कौन बनाएगा, ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। इसलिए दोनों मिल करके हम भगवान की भजन करेंगे। इसलिए गृहस्थ जो जीवन है इसको कहते गृहस्थ, एक होता है गृह मेधि और एक होता है गृह व्रत। गृह व्रत जिसको इसको कहते हैं, जिसने ही मान लिया मेरा बीवी बच्चा नाती पोती को छोड़कर दुनिया में भगवान भगवान कुछ नहीं, यही जीवन का सार है, इसलिए उनको कहते हैं ये गृह मेधि, जिनका दिमाग में सवेरे से लेकर शाम तक क्या घूमती है, घर में तेल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, आलू है कि नहीं, टमाटर है कि नहीं, देखना दिन भर दिमाग इसी के सिवाय और कुछ नहीं दिमाग में, इसलिए कहते गृह मेधि, जिनकी दिमाग दिमाग में यही चीज। एक होता है गृह व्रत। गृह व्रत मतलब क्या है, जिसने अपना जीवन को ही घर ही यही व्रत है, इसके सिवाय दुनिया में कोई नहीं। लेकिन एक होता है गृहस्थ। गृहस्थ किसको कहते हैं, केवल शादीशुदा करने से बच्चे होने से गृहस्थ नहीं होता है, बोले गृहे उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन दक्षोतिता वासुदेव अर्पण साक्षात उपासित महामुनि। कहते ये गृहस्थ है। गृहस्थ मतलब क्या हो गया, बोले जो घर में रहते हुए असत उपाय में नहीं सत उपाय को तरह अर्थोपार्जन करे, और जो कुछ करे अर्पित महामुनीन वासुदेव अर्पण सख्यात, जो कुछ करे भगवान के लिए करे। पैसा कमाए तो ठाकुर जी के लिए, रसोई बनाए तो ठाकुर जी के लिए, घर बनाए तो ठाकुर जी के लिए, श्रृंगार करे तो ठाकुर जी के लिए, जो सब कुछ भगवान को सेंटर बना कर करते हैं, कहते वो गृहस्थ हैं। इसलिए कितना दिन तक तो घर में रहना, 50 साल, ज़्यादा नहीं, मना कर दिया 50 ऊर्धे बनम प्रजेत, 50 साल के बाद में एकावन बावन, मतलब क्या घर नहीं वृंदावन, कहाँ जाना, इसलिए ये बन बन चौबन, ये बन बन है। शास्त्र कहता है घर में मत रहो, नहीं तो घर में बहू आएगी फिर चाबी काठी को लेकर के फिर लड़ाई तुम्हारे साथ में होगी, फिर क्या बोलोगे, घर में तो हमारी कोई इज्जत नहीं, घर में कोई कितना, हमारे घर में कोई इज्जत नहीं। भैया इज्जत खत्म होने से पहले क्या करो, कुछ कुछ पैसा संचय करके वृंदावन में एक भजन कुटी बनाओ, और वहां जा करके सत्संग करते हुए भगवान की भजन करते हुए वहां पर ठाकुर जी की भजन करो, अनादर होने से पहले, इज्जत जाने से पहले। देखना सारा दुनिया कहते ना घर में कोई इज्जत नहीं है हमारी, अगर वृंदावन में जाओगे ना देखना 10 बार बच्चे जाएंगे, बोले पिताजी बड़े दिन ही हो गया, कब तक रहोगे, अभी तक घर में चलो, बोलते कि नहीं, घर में ज्यादा रहोगे ना लड़ाई झगड़ा होगी। इसलिए कहते भैया इक्का बन बा बन, लेकिन उसको बाद में भजन के लिए नहीं गए ना, 68 60 61 फिर सठिया बने जाओगे, फिर तुमसे कुछ नहीं होने वाले, सठिया बने जाएंगे फिर कुछ हमसे नहीं होगा। लेकिन गोस्वामी जी और ये के बात कहते हैं, बोले सठ सो धरे सत सा गत पाए, सठ सो धरे सत सा सठ सो धरे सत सा गत पाए, सत सा गत पाए, पारस को धातु सुहाए, पारस परस को धातु सुहाए,
कदे इनका भी कल्याण हो सकती है अगर जीवन में कोई संत का कृपा हो जाए ना, साधु का कृपा हो जाए, तो जैसे पारस परस, जैसे लोहे अगर हैं स्पर्श मणि में स्पर्श होने पर जैसे सोना बन जाती है, अगर जीवन में अगर हमें सत्संग कहीं मिल जाए ना, हो सकता है इनका भी कल्याण हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ नाश होई। इसलिए सत्संग से ही हमारी कल्याण होने वाले। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ सन्यासी। देखना तीन जो 75 75 जो साल है ना, वो त्यागी जीवन है। केवल बीच में जो 25 साल है, केवल यही गृहस्थ जीवन है। और इसमें भी भजन, इसलिए जीवन का जो उद्देश्य है, केवल हरि की भजन के बगैर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। इसलिए भैया क्या करनी चाहिए, इसलिए चतुसन ने आदेश पालन नहीं किया, लेकिन करने पर भी जगत में देखो इनकी जय जयकार हो रही। कभी ये भगवान का पहला ये सृष्टि है, जब इन्होंने शादी करने के लिए इनकार कर दिया, ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उनकी ललाट से श्री शंकर जी रुद्रदेव प्रकट हुए। शंकर जी को भी ब्रह्मा बोले, लेकिन शंकर जी कौन है, जोगी जोगी महाजोगी। जब इनकी ध्यान लगती है ना, कल्प कल्प तक इनके ध्यान लग जाती है, इनकी खोलती नहीं। शंकर जी की भी मन में कोई इच्छा नहीं घर गृहस्थी के लिए हैं, लेकिन उन्होंने देखा अगर पिताजी को मना कर देते हैं ना, फिर पिताजी बिगड़ नहीं जाए। बोले ऐसे काम करो पिताजी, अपने आप मना कर दे। फिर उन्होंने जितने भूत पिशाचों को सृष्टि करना शुरू कर दिया। कहते उन्होंने भूत पिशाचों को सृष्टि करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी बोले ये कोई सृष्टि ना ध्वंस कर रहे हो, बंद करो। बोले पिताजी हम तो यही चाह रहे थे। फिर उन्होंने परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि किया, 10 संतान सृष्टि की। फिर अपना शरीर से सत्वरूपा और श्री मनु महाराज का सृष्टि की, और मनु महाराज से ही पहले जो सृष्टि होती थी मन से, लेकिन जो पति पत्नी का मिलन से जो सृष्टि हुई ना, ये मनु महाराज से है, इसलिए हमको मानव कहते हैं। लेकिन अभी का जो डार्विन थियोरी वो क्या कहता है, हमारे पूर्वज लोग ना सब बंदर थे, इनका पूछ कटते कटते जब खत्म हो गया हम इंसान हो गए। किसका थियोरी है ये, डार्विन थियोरी। लेकिन हमारे कोई भी ग्रंथ में ये नहीं बताया गया बंदर से हो गए। अगर बंदर से अगर पूछ कटते कटते हो जाते, अभी कितने सारे बंदर घूम रहे हैं। अभी तो कोई एक इंसान बनता, अभी कोई बंदर इंसान बन रहा है, उसी समय क्यों बन गया। इसलिए डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, बोले मैंने इसलिए बोल दिया था, ये सरकार मेरे को मजबूरी किया था तुम लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, हैं नास्तिक बनाने के लिए बात को बता दो, लेकिन कभी हैं कभी इंसान बंदर से कभी इंसान कभी नहीं बनता है, हैं कभी नहीं बनता है बंदर से इंसान। इसलिए हम सबके सब श्री मनु महाराज से हुए। देखो हिंदू हमारे धर्म गीता है, गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, ममई बांस जीव लोक जीव भूत सनातन, ये कृष्ण खुद कहते हैं। पिता अहम अस्य जगत धाता माता पिता मह, कृष्ण खुद कह रहे हैं ये बात को। इसलिए हम कहते हैं ना तुमेव माता च, बोलो जोर से, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याम द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम, सारे पूर्वज यही बोलते आए। क्यों, कृष्ण गीता में खुद कह रहे पिता जगत का मैं हूँ, माता मैं हूँ, हैं। आप क्रिश्चियन का बाइबल पढ़ लो, वहां पर लिखा हुआ गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, मतलब भगवान ने अपना जैसे सूरत बनाया। अब मुसलमान का कुरान पढ़ लो, वहां पर भी लिखा हुआ अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया, आप पढ़ करके देखो। हमारे कोई भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं बताया बंदर से हम हो गए हैं। हम सबके सब किससे हुए हैं, भगवान कृष्ण से हुए हैं, भगवान राम से हुए हैं। देख लो अंदर में, देखो ठाकुर जी को देख लो, देख लो उस तरफ में, कृष्ण का दो हाथ जैसे हमारे दो हाथ वैसे है ना,
कृष्ण की दो आंख जैसे दो हमारी आंख, कृष्ण की कितना दांत, 32 दांत, हमारा भी 32 दांत है। कृष्ण के प्यार जैसे हमारे प्यार ऐसे, ठाकुर का पेट जैसे हमारा पेट भी ऐसे ही है। राम को साथ में मिलाओ, मिलोगे ना, एक बंदर को साथ में मिलाओ, मर क्या मिलेगा बोलो, प्यार मिलेगा ना, आंख मिलेगा ना, उनका टांग मिलेगा, कोई मिलेगा? हाँ, इसलिए हम लोग ये डार्विन, ये जो थियोरी है ना, ये भारत में पढ़ाते हैं, अमेरिका में जाओ नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं वहाँ पर ये थियोरी हैं। इसलिए हम कोई बंदर से नहीं हुए, हम श्री भगवान से हुए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हमारे भारत में देखना सबका एक एक गोत्र, गोत्र है कि नहीं, तुम्हारी क्या गोत्र है, तुम्हारी क्या गोत्र है, कश्यप भारद्वाज, तुम्हारी गोत्र क्या है, क्या देखना सबको पूछो एक ही गोत्र है कि नहीं, ये गोत्र कहां से आ गया बताओ। हम जिस ऋषि से ब्रह्मा जब सृष्टि किए, जिस ऋषि से हमने आए हैं, वो ऋषि हमारी गोत्र है। देखना जब संकल्प करते हैं वही करते ना, अपना गोत्र बोलो, अपना नाम बोलो, संकल्प करते हैं ना। इसलिए हम कहां से हुए हैं, इसलिए भगवान से हुए हैं, हैं? ये नास्तिक मतवाद हमें नहीं सुननी चाहिए। इसलिए मनु महाराज से इन्होंने दो बेटे और उन्हें तीन बेटी जन्म दी है, इसलिए तो तीन जो बेटी है ना, ये आकुति, देहूति और ये प्रसूति हुई है, और उत्थानपात और प्रियव्रत धीरे 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 यहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई। यहाँ पर माता देहूति की कथा आती है। बोले जिस समय माता देहूति की शादी हो गई कर्दम ऋषि को साथ में, शादी हुए तो अभी कर्दम ऋषि फिर भजन में बैठ गए। माता देहूति बड़ी पतिव्रता, धर्म को साथ में पति की सेवा की, और उन कितना हजार साल तक तपस्या में बैठे। अभी पतिदेव भोजन नहीं कर रहे हैं, फिर पत्नी कैसे भोजन करेगी? इसलिए पति की सेवा करते 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 जब उनकी आंख खुली है ना, देखा सामने एक डोकरी बुढ़िया बैठी हुई, उनने भूल गए किसी लड़की से हमने शादी की थी। माता जी वहीं पर बैठो, इधर मत आओ, किसको आगे आने देना, उनको वहीं पर बैठो, वहीं वहीं बैठो, आगे नहीं आना। इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उन्होंने पति की सेवा करते करते एकदम बूढ़ी हो गई। देखो जो स्त्रियां अपना पतिव्रता धर्म को साथ में पति सेवा करती है, कितने महत्व है। जैसे सती सावित्री हुई, सुने कि नहीं, ऐसे उसकी सतीत्व तो थी, सती अनस्विया हुई, देखे होंगे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनको सामने बच्चे बने गए। सावित्री की पति मर गया, लेकिन ये पतिव्रता धर्म से अपना पति का जिंदा कर दिया, ऐसे पतिव्रता धर्म की। इसलिए उसने ऐसे पति की उसने सेवा की, ऐसे पति की सेवा की, शरीर एकदम जराजीर्ण हो गई। उनने भूल गए मैंने कभी शादी की, तो बोले तुम कौन हो? बोले कभी अपने शादी क्या याद है? बोले वही देहूति, कहते आकृति देहूति प्रसूति इतने सुंदरी थी, जिनकी सुंदरता को देख करके स्वर्ग के देवता लोग भी मूर्छित हो जाते थे। लेकिन ये पति सेवा करते करते सारा शरीर जराजीर्ण हो गए, पति प्रसन्न हो गए, उसको ऊपर में प्रसन्न होकर के, हैं प्रसन्न होकर, क्यों? जैसे पति स्नान नहीं कर रही है, ये भी स्नान नहीं की, पति कंघी नहीं करते हैं बाल को, इन्होंने भी कंघी नहीं की, इसलिए उनकी बाल एकदम जटाजुट हो गई है, जटाजुट हो गई, क्यों? पति की सेवा करते करते उसने जटाजुट हो गई। बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले भगवान से क्या वर मांगे थे? शादी से पहले उन्होंने दो वर मांगे थे। बोले प्रभु अगर आप मेरे बेटे बनकर के आओगे तो मैं शादी करूंगा। भगवान बोले तथास्तु। बोले दूसरी वर क्या है? बोले तब तक संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, उसको बाद में भजन करने चला जाऊंगा। बोले आपने तो बोले थे भगवान को आप बेटे बन करके आओ। बोले ठीक है जाओ, ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करते ही जितने पहले सुंदरी थी उससे भी ज्यादा सुंदरी बनकर प्रकट हुई, और हजार दास दासियां वहां से प्रकट हुई, और उन्होंने एक कामक विमान प्रकट किया। वर्णन आता है इतनी बड़ी थी कामक विमान, जिसमें राज महल बना हुआ, जिसमें सुंदर सरोवर है, जहां पर राज हंस क्रीड़ा करते हैं, चार तरह का कमल फूल खिले हुए, और जिसमें बैठे हो ना भूख नहीं लगेगी कभी, और जिसमें बैठो कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं भी होंगे। मतलब पहले का जो साइंस है वो इतना एडवांस पहले साइंस था, है इतने था बास कामक, मतलब उसमें कहीं पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं,
जैसे चाहो वैसे ही आकाश में उड़ते रहो। करते करते नौ कन्या हो गई, बोले अभी तो संतुष्ट हो गई। बोले नहीं, बेटियां तो शादी करके अपना ससुर घर, अपना चली जाएगी अपना ससुर घर में, मेरे पास में फिर कौन रहेगा? भगवान तो बेटे बन करके नहीं आए। फिर उन्होंने पति की सेवा की। पति की जब सेवा की, क्योंकि पति तो साधारण है नहीं, बड़े ऋषि है, करदम ऋषि है, फिर भगवान स्वयं कपिल मुनि बन करके आए। बोले श्री कपिल भगवान की। जब भगवान कपिल बन करके आए, इतने में घर में नौ नौ बेटी है। आप लोगों ने बेटियों को शादी की होगी, आप देखना जब एक बेटी को शादी करो ना, घर खाली हो जाती है। और जिनके घर में नौ नौ बेटी, फिर बताओ क्या होगा? हैं? एक समय ब्रह्मा जी अपना नौ बेटियों को लेकर के आए, नौ बेटे नौ बेटी, जोड़ी बड़ी प्यारी है। बोले भैया शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र कर दो। एक साथ में नौ बेटी शादी करके चली गई है, नौ बेटी शादी हो गई। बोले क्यों? यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भैया करते हो तुम कन्या, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे। जब भगवान की भक्ति कोई सही सही करे ना, भगवान सब कुछ व्यवस्था ठाकुर ही कर लेते हैं। अभी घर में तीन प्राणी रह गए। अभी करदम ऋषि देखा बेटियों की शादी हो गई, मैं भी जा रहा हूँ भजन के लिए, वो भी भजन के लिए चले गए। तो यहाँ पर हमारे टीकाकार लोगों प्रश्न करते हैं, भैया तुम क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो वन में भजन करने के लिए? घर में तो तुम्हारी भगवान तुम्हारे घर में बैठे हैं, भगवान भगवान घर में है ना। तो जब भगवान घर में, तो फिर भजन के लिए किसको जा रहे हो? तब हमारे टीकाकार इसको पीछे तीन कारण बताया। कितना कारण बताए? जोर से बोलो। क्या किया? मैंने पहले बहुत बार बताया, कोई एक कारण बोल सकता है? जो एक कारण बोल देगा मैं इसको इनाम दूंगा। कौन बोलेगा? भगवान घर में हैं, ठाकुर जी घर में हैं, लेकिन रहते हुए ये क्यों फिर भजन करने के लिए जंगल में गए? क्या रहस्य है? कौन बोलेगा? बोलो कोई एक कारण बोल दो। कोई बोल सकते हो? क्या? जोर जोर से बोला। क्या रसभा से दोष है? हाँ, इनके लिए ताली बजाओ। देखो ये चीज को समझो, कल सबको पूछूंगा, ठीक है? बहुत बार सुनाया लेकिन अब लोग याद नहीं रखते हो। पहला कारण है, अभी भगवान स्वयं इनका बेटे बन करके आए। बेटे बन करके आए तो अभी तो बेटे को बेटे रूप में देखना पड़ेगा ना। ये हो गया बात चले रस, जैसे माँ बेटे को अपना बेटे रूप में देखते हैं। लेकिन इनका जो सिद्ध स्वरूप है, मतलब इनके अंदर में जो रस जो एक विद्यमान, वो दास्य रस है। भगवान को अपना प्रभु मानते हैं, वो अपने आप को सेवक मानते हैं, ये दास्य रस है। लेकिन भगवान अभी बेटे बन करके आए, बेटे बन करके तो पिताजी किस रूप में देखा? बेटे रूप में ना, वो बात्सल्य रस हो गया। देखा दोनों रस में लड़ाई हो रहा है, दोनों रस में लड़ाई हो रही, ये पहला कारण है। दूसरा कारण कोई बोलेगा? दूसरा कारण बताए, कल सबको पूछूंगा, मैं देखूंगा कथा सुनकर ना, यहाँ बैठते केवल ना, कौन कैसे साड़ी पहन के आकर देखते हो? जब कोई एक माता जी कोई बढ़िया साड़ी पहन करके आ जाए ना, वो कथा बता सब भूल जाते, देखते हैं मेरे से इतना बढ़िया साड़ी पहन करके से आ गया, हाँ हमसे कैसे बढ़िया साड़ी पहन। हाँ देखो दूसरा कारण बताए, इनको पता है मेरे बेटा भगवान तो बेटे बन करके आए, लेकिन ये भी घर में ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं, ये भी सन्यासी बन करके जाएगा। अगर भगवान तुम्हारे घर में बेटे बन करके आए, फिर भगवान फिर सन्यासी बन करके जाए, कितने दुखद है। इसलिए बोले भैया तू जाने से पहले मैं ही चले जाता हूँ। तीसरा कारण जो बताए, ये सबसे सबसे श्रेष्ठ कारण है। तीसरा कारण है, जब तो कोई साधन नहीं करता है ना, तब तक उसको लक्ष्य साध्य वस्तु प्राप्त नहीं होता है, हैं? साध्य वस्तु प्राप्त नहीं होता है, साधन करने पर ही साध्य वस्तु मिलेगा, आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए हमारा जीवन में हमारा जो प्रयोजन है ना, हमारे जीवन में जो प्रयोजन क्या है? कृष्ण नहीं, हमारे प्रयोजन भगवान का प्रेम, पहले मैंने बताया था। क्योंकि प्रेम का दो लक्षण है, पहला लक्षण है रूप गोस्वामी कहते हैं, जैसे राबड़ी को गर्म करो ना, जैसे दूध को गर्म करते करते राबड़ी बन जाती है। खाए ना राबड़ी, कितना स्वाद लगता है, बढ़िया लगता है ना। इसलिए कहते प्रेम का एक लक्षण है, जब हृदय में प्रेम प्रकट हो
इतने आनंद जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरा लक्षण है, कहते भगवान जैसे कमल फूल खिलने पर ये फूल भौंरा को पास में नहीं जाता, भौंरा ये फूल को पास में आता है। हृदय में जब तुम्हारी प्रेम प्रकट हो जाएगा ना, उस दिन सुन रहे थे ना, ध्रुव महाराज नारायण को पास में नहीं गए, नारायण और ध्रुव महाराज को पास में आए। कृष्ण गोपियों को पास में कौन जाते थे, गोपियां कृष्ण को पास में नहीं आई, कृष्ण गोपियों को घर में आते थे। बोले क्यों, बोले इनके हृदय में प्रेम है, इसलिए हमारे लक्ष्य प्रेम है। अगर हृदय में प्रेम होगा ना, तुम्हें कहीं जाने का जरूरत नहीं, ठाकुर स्वयं तुम्हारे घर में आएंगे, ठाकुर जी स्वयं तुम्हारे घर में ठाकुर जी आएंगे। इसलिए लेकिन वो प्रेम कैसे आएगा, बोले जब तक हम साधन नहीं करते ना, तब तक ये प्रेम आने वाले नहीं। पहले हमने सुना था रावण भी राम को दर्शन किया, लेकिन क्या किया, भगवान उसको साथ में युद्ध किया। लक्ष्मण भी राम लक्ष्मण को दर्शन किया, लक्ष्मण को ऊपर शक्तिशैल की प्रहार की और उनको ऊपर में हैं, उनको ऊपर में कितना किया क्या उल्टा पुल्टा नहीं किया। कृष्ण को और कंस भी देखा, लेकिन जिंदगी भर उनको मारने के लिए कोशिश की। इसलिए जीवन का लक्ष्य प्रेम है, घर में ठाकुर जी है, लेकिन वो ठाकुर जी को छोड़ करके जंगल में गए भजन के लिए, क्योंकि हृदय में प्रेम होगा तो ठाकुर जी प्राप्ति होगी। जब चले गए घर में केवल दो व्यक्ति माँ और बेटा रह गई। एक दिन माँ स्वयं बेटे को पास में आता है, बोले बेटा मैं कितने सौभाग्यवान हूँ, मेरी सौभाग्य का तो कोई सीमा नहीं, क्योंकि मेरे जो पति जो मिले हैं, कौन मिले, कर्दम ऋषि बड़े साधक परम भक्त मिले साक्षात, इतने बड़े संत थे कर्दम ऋषि, बड़े संत थे। एक तरफ में संत मिले और दूसरे तरफ में भगवान मिले, भक्त और भगवान एक साथ मेरे को जीवन में प्राप्त हुए हैं, भक्त भगवान दो हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन बेटा देखो मैं कितने दुर्भाग्य, देखो कहां ऐसे पति को मैंने प्राप्त करते हुए, लेकिन पति से मैंने क्या प्रार्थना की, हमें संतान चाहिए, लेकिन उनसे क्या प्रार्थना करना चाहिए था, कैसे ये भवसागर से मेरी उधार हो, लेकिन मैंने उधार की बात नहीं की, मैंने कहा हमें बेटा चाहिए, संतान चाहिए, मेरी जैसे दुर्भाग्य जगत में कोई होगा, इसलिए बेटा ऐसे हमें ज्ञान की बात बताओ जैसे मेरा बेड़ा पार हो जाए। इतने में भगवान अपना माँ को लक्ष्य करते हुए उनने जो ज्ञान प्रदान किए ना, उन्होंने अद्भुत उन्होंने ज्ञान प्रदान की, बोले माँ ये जो मन है ना, यही मुक्ति का कारण है और यही बंधन का कारण है, जब ये मन को मनमोहन में लगा दो माँ ये मुक्ति के कारण बन जाएगी, लेकिन ये मन को जो विषय में लगा दो फिर ये बंधन का कारण बनेगा, इसलिए माँ ये मन को मनमोहन में लगाओ। बोले बेटा तू जितना बोल दिया ना मन को मनमोहन में लगाओ, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, ये मन तो बड़ा चंचल है। कहते वायु रव सुदुष्करम, वायु को हम बंद करके रख सकते, मन नहीं, ये एक मिनट में ये विश्व ब्रह्मांड घूम घाम करके ही आ जाती है, इसलिए तुम बताओ इसको मन को कैसे किया करे। बोले माँ साहेब साधु सुकृत्य मोक्ष द्वार मपावृतम, कहते माँ एक ही काम करो, तुम संतों को साथ में जो प्यार है ना, जो प्रेम है, कहते ये विषय लोगों से मत करो, क्योंकि जो संगम मेन वस्तु है, एक शराबी को पास में बैठो शराब पीना शुरू कर दोगे, चोर को पास में बैठो चोरी करना शुरू कर दोगे, गंजड़ी भंगड़ी को पास में बैठो गंजड़ी भंगड़ी बन जाओगे, लेकिन संतों का संगा करो तो क्या बन जाओगे, संत बन जाओगे। बोले सैव साधु सुकृत्य, अगर प्यार प्रेम करना है ना, बोले माँ ये प्रेम संतों से प्रेम करो। बोले संतों से क्यों करे, इसलिए बोले एक ज्ञान है और एक विज्ञान, ये चीज को समझो, एक ज्ञान है और एक विज्ञान है, जो हम कथा सुनते हैं ना ज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान किसको कहते, बोले अनुभूति संपन्न। लेकिन जब किसी शुद्ध संतों को पास में रहेंगे ना क्या होगा, अगर हम कहीं गलत रास्ता पर जाएंगे टोकेंगे, बोले क्या कर रहे हो, नहीं दिन भर मोबाइल में मत लगा करो, दिन भर मोबाइल को पीछे मत लगा करो दिन भर, ये दो तलवार की दो क्या कहते दो 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 धार की ये तलवार है,
ये दो धार की तलवार है, अगर उसमें भगवान की कथा देखो तो फिर भुवाली क्या करेगा, सीधा भगवान के पास में ले जाएगा, अगर उल्टा पुल्टा चीज देखो तो सीधा नरक ले जाएगी, सीधा ये नरक ले जाएगी है। इसलिए मोबाइल में गंदी गंदी चीज को नहीं देखनी चाहिए, देखो तो सत्संग हरि कथा देखो। हम आगे सुनेंगे अजामिल ने एक बार केवल इन्हीं आंखों से, ध्यान देकर सुनो, एक बार केवल अजामिल जैसे व्यक्ति इतने ज्ञानी, इतने सदाचार संपन्न, इतने अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन जीवन में एक बार एक शूद्र शूद्राणी को मिलते हुए देखे, मन भटक गया, उसका मन भटक गया, अपना पत्नी को त्याग दी, एक शूद्राणी बेस्या को साथ में उसने रहना शुरू कर दिया और जितने सारे पाप कर्म करना शुरू कर दिया। अगर दिन भर तुम स्मार्टफोन के पीछे लगे हुए हो, उल्टा पुल्टा चीज में, भैया तुम कौन खेती के मूली है, तू बच जाओगे? इसलिए देखो ये दो तलवार की धार की तलवार है, इसलिए क्या करो, साधु सावधान। लेकिन जब संतों का संग में रहेंगे ना, संतों को टोकेंगे, नहीं ये गलती चीज है, इसको नहीं करना, ये करो ये करो, जब उनको साथ में रहेंगे सवेरे क्या करेंगे, हरि नाम करेंगे, मंगलारती आय में भजन करेंगे, अकेले रहेंगे तो सोते रहोगे हैं। इसलिए कहते भैया क्या करो, भगवान कहते हैं, बोले माँ संतों का संग करो, संतों के संग के बगैर जीव का कल्याण नहीं। बोले बेटा तू तो बोल दिया सत्संग करो, लेकिन संतों का कुछ लक्षण भी तो बता दो। तो उन्होंने संतों की दो लक्षण बताया, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण, इस चीज को अच्छे तरह समझ लो, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण है। बोले उनका एक बाहर का लक्षण, एक अंदर का लक्षण है। बोले इनका बाहर का लक्षण क्या है, बोले तितिक सब कारुणिक सुहृद सर्वदयिनाम अजात सत्रव शांता साधु भी साधु भूषणम। संतों का पहला लक्षण है, देखो एक चीज समझो, यहाँ संतों का लक्षण बता रही। आप बोलोगे भैया हम तो गृहस्थी, हम थोड़ी संत हैं, संत तो उसको कहते हैं जो ये भगवा कपड़ा पहने हुए, जैसे हम लोग ये कपड़े पहने हैं ना। आप बोलोगे भैया उनके लिए बता रहे, हम लिए थोड़ी बता रहे। नहीं, कल हम बता रहे थे ना, भागवत में जितने कथा है कोई त्यागी की कथा नहीं है। किसकी कथा है? सब गृहस्थों का कथा है। महाप्रभु कहते हैं गृही हो त्यागी हो भक्त भेद नाही, भक्त भेद कर ले से कुंभी पाके जाए। वो गृहस्थी हो नहीं तो त्यागी हो, भैया भक्त में भेद नहीं। गृहस्थ में चैतन्य महाप्रभु का भक्तों का देखो, त्यागियों से भी दिखाई पड़ता है महाप्रभु का भक्त, त्यागियों से भी जो गृहस्थ में रहते थे वो ज्यादा भक्ति करने वाले थे, ज्यादा भक्ति करने वाले थे। आपको एक छोटी स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। आप लोग बोलोगे भैया हम घर में रहकर थोड़ी भजन कर, अच्छे तरह से समझो, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने रामानुज आचार्य जी की कथा सुने होंगे, स्वयं लक्ष्मण है, वैष्णव संप्रदाय में पहला व्यक्ति है। कहते रामानुज संप्रदाय इनका कुछ त्यागी संत थे और कुछ गृहस्थी संत थे, लेकिन ये रामानुज आचार्य एक धनुर्धर था, बड़ा बलवान, उस समय में बड़ा गुंडा था, जिसका नाम सुनकर दुनिया कांप उठता था, ऐसे गुंडा था हैं। एक दिन क्या हुआ, जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होता था, उसका जो पत्नी थी ना सचमुच से बड़ी सुंदरी थी, बड़ी सुंदरी थी, लेकिन वो जब चलता था जानते हो कैसे करता था, वो जब चलता था पत्नी को सर के ऊपर छत्री धारण करता था, और हम लोग तो ऐसे ऐसे चलते, वो नहीं, वो पीछे पीछे पत्नी को मुंह देख देख कर चलता था, पत्नी को सर के ऊपर छत्री धारण कर लेगा और चलेगा पीछे पीछे, क्यों, पत्नी को देख देख कर, उसका मुंह को देख देख करके। अभी वहां रंगनाथ जी की रथ यात्रा हुई, सब लोग दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन इसका पत्नी भी गई, ठाकुर को प्रणाम किया, लेकिन ये ठाकुर को देखा नहीं, वो अपना बीबी को मुंह देख रहा है। रामानुज आचार्य जी ने कहा भैया तू यहाँ पर आए हो, एक बार तो ठाकुर जी को दर्शन करो। बोले ये पत्थर में क्या रखा हुआ है, जगत में जो सबसे सुंदर चीज होगा उसको तो लोग देखते हैं ना। बोले हाँ। बोले ये पत्थर में क्या रखा हुआ, एक बार मेरे बीबी का मुंह देख, ये ठाकुर देखना भूल जाओगे। वो संत को बोले, सख्यात लक्ष्मण है, तो उन्होंने बोले अगर तुम पत्नी से भी ज्यादा सुंदर कोई चीज दिखा दू तो, बोले भाई उसको छोड़कर उसको देखूंगा। इतने में ठाकुर जी उसकी सर पर हाथ रखे, क्योंकि ये जड़ नेत्र से ठाकुर का दर्शन नहीं होता है,
कहते प्रेमांजन छुरी तब भक्ति विलोचने न, जब आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाई ना तब दर्शन मिलेगा। तब उनको सर पर हाथ रखे, कौन? लक्ष्मण। जब हाथ रखे बोले ठाकुर जी आप एक बार अपना असली रूप का दर्शन करा दो, एक बार उसको दर्शन करा दो। जब भगवान अपना असली रूप को दिखाए, क्या सुंदर कंदर्प कोटि कमनीय विशेषम, एक काम देव तो दुनिया को पागल बना कर रखा, भगवान के रूप कैसे हैं? बोले करोड़ों काम देव भी जिनका रूप को देख करके मूर्छित हो जाता है, ऐसे भगवान की सुंदरता है। बोले ठाकुर जी एक बार अपना असली रूप का दर्शन कराओ। ए ठाकुर जब असली रूप को दिखा है ना, इन्होंने ठाकुर जी को रूप को देख करके वहीं पर बेहोश हो गया, उसने वहीं पर बेहोश हो गया। जब उनका होश आया ना, फिर जिंदगी भर के लिए अपना पत्नी की मुंह देखना भूल गया, पत्नी की मुंह देखना भूल गया। तब से इतना बड़ा भक्त उसने हो गया, इतने बड़े रामानुज आचार्य जी के इतने बड़े उन्होंने भक्त बन गए, जिंदगी भर प्रभु की सेवा में लगा दिया, गुरु जी की सेवा में लगा दिया। अभी गुरु जी रामानुज आचार्य जी ये क्या करते थे, ये इतने सेवा करता था गुरु जी की, इतने सेवा करता था गुरु जी की। गुरु जी जब वो तेल लगा करके, वहाँ नर्मदा नदी है, जब शरीर में तेल लगाते थे, उनका जो त्यागी सब शिष्य थे ना, उनके कंधे पर हाथ रख करके उतरते थे स्नान के लिए। लेकिन जब स्नान कर लेते थे, ये जो धनुर्धर इसका तो गृहस्थ है, इसकी कंधे पर हाथ रख करके ऊपर आते थे। अभी जितने उनके त्यागी सब शिष्य लोग थे ना सन्यासी, कानाफूसी करना शुरू कर दिया। बोले गुरुजी जब शरीर में तेल लगाते हैं, अपवित्र होते हैं, तब गुरुजी हमारी कांधे पर हाथ रख करके स्नान के लिए जाते हैं, और स्नान करने के बाद पवित्र होते हैं, और जब ऊपर आते हैं, और ये धनुर्धर के गृहस्थ व्यक्ति, और इसकी कंधे पर हाथ रख करके गुरुजी आते हैं, कानाफूसी होना शुरू गया। अभी गुरुजी के कान में ये बात गए, कान में जब गए, गुरुजी उनको परीक्षा किए। एक दिन ये जो त्यागी संत थे, अपना कपड़े अपना कौपनी को रख करके नदी में नहाने के लिए गए। गुरु जी ने क्या किया, एक शिष्य को बोल करके बोले ये कपड़े को थोड़ा अदला बदला कर दो, कपड़े को अदला बदला कर दो। जब अदला बदला कर दिया, गुरु जी ऊपर जब आए, त्यागी सन्यासी शिष्य देखा भैया मेरे कपड़ा यहाँ पर था, यहाँ नहीं वहां पर, उसने देखा मेरा कपड़ा यहाँ था तब वहां पर, उसने देखा ऐसे लड़ाई शुरू हो गई उनमें। बोले तुमने कैसे मेरे कपड़ा ले लिया, बोले तुमने कैसे कपड़ा ले लिया, इतने आपस में लड़ाई हुई। गुरुदेव किसी तरह से शांत करवाए, शांत करवाए, बोले मैंने ही किया था तुम्हारी चित्तवृत्ति को देखने के लिए, तुम करते हो क्या, कपड़ा मैंने ही दिया है, थोड़ा कपड़ा बदले गया तो मारपीट करना शुरू कर दिए। बोले देखो इसकी, देखो धनुर्धर गृहस्थ को देखो। जब ये रामानुज आचार्य भगवान की कथा बोलते थे, ये रोज कथा सुनने आता था, ये धनुर्धर रोज कथा सुनने आता था। बोले देखो शिष्यों को बोले एक काम करियो, मैं जब कथा सुनाऊंगा ना, ये कथा सुनने आता है, घर में उसका पत्नी रहता है, और तुम लोग जाकर उसको घर से जितने सारे सामान को लूटपाट करके ले आना, सारे सामान को लूटपाट करके ले आना। जब तुम लोग लूटपाट करके ले आओगे, जब बोलोगे ले आए, फिर तुमको मैं छोड़ूंगा। बोले ठीक है गुरु जी। अभी उन्होंने हरी कथा सुना रहे थे, इनका जितने शिष्य लोग गए उनको घर में जा करके ना जितने सारे सामान को लूटना पटना शुरू कर दिया। लेकिन उसका पत्नी सो रही थी, इतने में थोड़ी आवाज हुई तो आँख खुली, आँख खुली तो देखा गुरु भाई लोग आए हैं। कौन आए हैं? गुरु भाई लोग आए हैं, और गुरु जी की सेवा के लिए हमारी घर के सामान को ले जा रहे हैं। इतने खुश हो गई, इतने खुश हो गई, बोले सारे सामान को ले जाए, क्योंकि गुरु जी की सेवा में लगेगा, गुरु जी की सेवा में लगेगी। लेकिन इसकी शरीर में पूरा सोने चांदी हीरे जवाहरात तो उसकी शरीर में, धीरे धीरे वो लोग आ करके ना, जो ऐसे करवट लेकर सो रही थी, एक तरफ का जो सोने चांदी खोलने लग गए, खुश हो रही थी, देखो मेरे शरीर में भी जितने सोने चांदी को खोल करके गुरु जी की सेवा के लिए ले जा रहे हैं, आज जीवन धन्य हो गया है। लेकिन शरीर का एक तरफ का सोने चांदी तो खोल दिए, लेकिन अभी दूसरे तरफ में बाकी रह गया। इतने में उसकी पत्नी ने थोड़ी सी करवट लिया, बोले इधर का सोना चांदी क्यों बाकी रह जा गया, ये भी तो गुरु जी की सेवा में लग जाए। जब उसने करवट लिया ना, इनको ऐसे लगा शायद इसने जग गया है, और सबके सब वहां से भाग गए। भाग करके गुरु जी को इशारा किया, सब लूटपाट करके ले आए हैं। जब ले आए, इतने में गुरु जी कथा को विश्राम कर दिया।
जब विश्राम कर दिया, जो धनुर्धर था घर में गए, शिष्यों को बोले इनके पीछे 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 जाओ, देखो ये दोनों आपस में क्या चर्चा करते हैं। ध्यान देकर सुनो, ये आपस में क्या चर्चा करते हैं। जब उन्होंने पीछे 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 गए, वो जाते ही उनकी पत्नी कह रही है धनुर्धर को, बोले जानते हो आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले आज हमारे घर में हमारे गुरु भाई लोग आए थे और यहाँ के जितने सारे सामान को उठा करके मंदिर में ले गए ठाकुर को सेवा के लिए, लेकिन मेरी एक कमी रह गई। बोले क्या कमी रह गई? बोले मेरे शरीर का एक तरफ का जो हीरे जवाहरात को तो निकाल कर ले गए, मैंने देखा एक तरफ का तो ले गए, दूसरा तरफ में बाकी रह गया, और मैंने थोड़ी सी करवट लिया ना, इतने में सबके सब भाग गए। कहते आज तो मेरे जीवन बेकार हो गया, शरीर का एक भाग का अलंकार तो गुरुजी की सेवा में लगा और दूसरे तरफ का अलंकार शरीर में नहीं लगा। इतने में जो धनुर्धर था इतने डांट लगाया, बोले बेकूफ तुमने करवट लेने का क्या जरूरत था, वो तो अपने आप खोल कर ले जाते, करवट तुमने क्यों लिया? और ये गुरु जी की सेवा में लगा नहीं, तेरे जीवन को धिकार है। सब आपस आपस में चर्चा कर रहे थे। जब शिष्य लोग आए, सन्यासी शिष्य लोग, बोले तुमने क्या सुना है, आपस में क्या चर्चा कर रहे थे? बोले हमने देखा आपस में ये चर्चा कर रहे थे। बोले देख लिया तुमने? देख लिया, वो घर में रहता है, उसका चित्तवृत्ति देखो, और तुम मंदिर में रहते हो, सन्यासी त्यागी हो, थोड़ी सी कपड़ा अदला बदला हो गया तो लड़ाई करना शुरू कर दिया, और उसकी चित्तवृत्ति देख रहे हो कैसे चित्तवृत्ति है। भैया जो जहां पर रह करके जो जितना भजन करता है वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। जो जितना भजन करता है, जितने गुरु जी की ठाकुर की सेवा में जिसको जितने चित्तवृत्ति भावना, इसलिए कहते भैया गृही हो त्यागी हो, भैया भक्त भक्त में कोई भेद नहीं, जई भजे सही बड़ा, जो भजन करता है वही बड़ा है। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते संतों का 26 लक्षण है। संत मतलब ये नहीं हम जो ऐसे कपड़ा, सबका है, आप लोगों का भी है। बोले पहला लक्षण क्या है? बोले तितिक सबकारुणिक श्रुही द सर्वदहि नाम अजात सत्र वसंता साधु भी साधु भूषणम। कहते अगर जीवन में कोई भक्ति करना चाहते हैं, पहला लक्षण सहन करो। कहते जो सहे सो रहे और जो नाश है वो नाश है, इसलिए सहन करना बहुत बड़ी चीज है। संसार में हो त्यागी में हो, अगर थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध आ जाए मचल जाए, वो संसार कभी बढ़िया चलेगा? कभी चल ही नहीं सकता। इसलिए जरूर सहन करना सीखो, उसको बाद में कारुणिक हो। भक्त लोग बड़े दयालु होते हैं, अजात शत्रव, जगत में उनका कोई शत्रु नहीं। कद वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा वसुधा को समझते हैं, हम एक ही परिवार के लोग हैं। हमारी भगवान कौन है? ठाकुर जी, हम उनकी ही सब संतान। इधर कोई आगे किसको आने मत दिया करो, उधर ही बैठो, इधर बताओ। इसलिए कहते ये सबके सब संतों का लक्षण, लेकिन इस संतों का एक विशेष लक्षण, इस चीज को समझो। एक उनके अंदर की लक्षण, बोले वो अंदर का लक्षण क्या है? बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंती जे दृढ़। कहते भगवान की जो भक्ति है ना, वो एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते जानते हो? सोमवार होगा, शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, बम बम करके बोले हे भोले बाबा, तन मन धन तेरे चरण में, मेरे लाज बचाना। लेकिन मंगलवार आएगा ना, शंकर जी की तरफ में देखेंगे भी नहीं, वो सीधा हनुमान जी के पास में जाएंगे। आज जो बात शंकर जी को कह रहे थे, देखना हनुमान को ही बोलेंगे, बोले हे हनुमान बाबा, तन मन धन तेरे चरण में, तू मेरे लाज बचाओ। क्या शंकर जी बेकूफ है? क्या शंकर जी बेकूफ है? शंकर जी बोले ये तो कल आकर के मेरे पास में यही बोल रहा था, आज तो मेरे तरफ में देखा ही नहीं। वो तो सीधा हनुमान जी को, जब बुधवार होगा ना, सीधा गणेश जी के मंदिर में जाएंगे, बृहस्पति होगा और देवता को है नहीं। भैया अगर कोई स्त्री बोले अपना पति को, बोले देख पति, सोमवार को मैं तेरे को प्रेम करूंगी, लेकिन मंगलवार को और किसको प्रेम करूंगी? बुधवार होगा ना, फिर और किसको? ये प्रेम प्रेम है क्या? ये धोखा देना है।
इसलिए भक्ति ऐसे नहीं होता है। भगवान कहते हैं बोले मई अनन्न भावे ना भक्ति कुर्बन्ति यदि राम, जैसे हनुमान जी है किसकी भक्ति करते हैं, प्रभु राम की भक्ति है, कनिष्ठ प्रभु राम की भक्ति करते हैं, उसी में ही डूबे रहते हैं। जैसे मीराबाई किसको भक्ति करते हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाला, गोपियां किसकी भक्ति करती हैं, इसलिए गोपियां कहती ना क्या कहती है, बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध्य। तुलसीदास जी किसको भक्ति करते हैं, राम को। भक्ति एक निष्ठ हो, भक्ति बहुनिष्ठ होने से सिद्धि नहीं होती है, इसलिए सबको आदर दे सकते हो लेकिन हृदय में ना, किसको बैठा हो हृदय में, श्री रमण बिहारी को बैठा हो, श्री रमण बिहारी को हृदय में बैठा हो लेकिन सबको आदर दो। उदाहरण दिया, जैसे घर में एक बेटी शादी करके आती है, उसका जेठ ननद ससुर सब होते कि नहीं, लेकिन वो सबको सम्मान देती है लेकिन हृदय में किसको बैठाती है, अरे बोलो हृदय में किसको बैठाती है, पति को हृदय में। अगर किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होगा तो किसको लेकर अलग हो जाती है, किसको लेकर के, भक्ति को लेकर अलग हो जाती है, हैं? इसलिए जो भक्ति, जैसे शंकर जी इनको गुरु जी है, इनसे भक्ति मांगो, इनकी कृपा से भक्ति मिलती है। माँ देवी वैष्णव भी है, देखना माता जी गले में तुलसी कंठी देखोगे, माँ स्वयं तुलसी कंठी पहनती है, इसलिए देवी। हनुमान जी कौन, भगवान की प्यारे भक्त है। गणेश जी कौन, बोले व्यास देव जी ने बोले गणेश जी भागवत लिखे, ये सब के सब भगवान की वैष्णव भगवान की भक्त हैं, इनसे भक्ति मांगो, इनसे भक्ति मांगो लेकिन हृदय में किसको बैठाओ, हृदय में केवल श्री ठाकुर जी को हृदय में बैठाना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इन्होंने अपना माँ को बड़ी बड़ी दिव्य ज्ञान बताई। बोले और एक विशेष बात बताए माता जी, बोले अहो बत सपोच अतो गरियान जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। हाँ देखो, जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करते हैं उनकी कितने महिमा, भगवान कहते, बोले अहो, अहो मतलब आश्चर्य होकर के भगवान कहते हैं। बोले जो जिसको जिह्वा की अग्र में भगवान के नाम बैठा हुआ, भगवान के नाम करते हैं, क्या समझो उसने पूर्व जन्म में चार ही काम करके आए हैं, तभी इसी जीवन में उसकी जिह्वा में भगवान का नाम उदय होता है। चार काम क्या है, पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है पहले सारे तीर्थ कर चुका है, जितना बड़े से बड़े यज्ञ हैं वो सारे यज्ञ कर चुके हैं, जगत में जितने दान हैं सारे दान कर चुका है, पृथ्वी में जितने सारे तपस्या है पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुके हैं, तब भी इसी जीवन में उसकी जिह्वा की अग्र में, संपूर्ण जिह्वा नहीं, जिह्वा की अग्र देश में भगवान की नाम उच्चारण हो रहा है, ठाकुर जी की नाम वही व्यक्ति ले रहे हैं। तब यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं जिसकी जिह्वा की अग्र में नाम हो इतने सौभाग्यवान, जिसका पूरा जिह्वा ठाकुर का नाम करता है, बोले उसकी महिमा तो बता नहीं सकते। बोले जो व्यक्ति दोनों कानों से ठाकुर जी की कथा सुनते, बोले और भाग्यवान। बोले जो दोनों हाथों से ठाकुर को सेवा करते और भाग्यवान। बोले दोनों प्यार में चल करके अपना घर से जो यहां तक कथा सुनने के लिए आए, बोले भैया उनकी सौभाग्यता हम बता नहीं सकते, उसके सौभाग्य हम बता ही नहीं सकते हैं जो कि यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो। इसलिए कहते सपोच भी अगर चंडाल क्यों नहीं हो, कुत्ते का मांस क्यों खाने वाले नहीं हो, बोले माँ जो व्यक्ति भगवान की भजन करते हैं क्या समझो, पूर्व जन्म में सारे सत्कर्म करके आए, माँ को उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बात बताई, ज्ञान की बात बता करके उन्होंने कहाँ चले गए, चले गए गंगा सागर में चले गए, और मैया दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपना जीवन को धन्याति धन्य कर लिया। अगर गंगा सागर में जाओगे तो साल में जो मकर संक्रांति का दिन वो पानी धीरे 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 नीचे आ जाता है, साल में एक बार वहीं पर श्री कपिल भगवान का दर्शन होता है। बोले श्री कपिल भगवान की, बोले माता देहूति की जय, जय श्री राधे। नाचार मत भाभी, बोलो जी महाराज की।